इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम सबसे ज़्यादा भुनाती है। उसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कर्मस्थली से आज़ादी के बाद से आज तक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बार विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। पूरा देश भले ही भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर ले, लेकिन चित्रकूट की जनता पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं जता पाती। चित्रकूट विधानसभा पर अधिकांशतया कांग्रेस का ही कब्जा रहा। इसके अलावा इस विधानसभा से जनता पार्टी और जनता दल के रामानंद सिंह भी चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की टिकट से रामानंद चित्रकूट विधानसभा का चुनाव लड़े तो जनता ने उन्हें भी नकार दिया। इस विधानसभा से एक बार बहुजन समाज पार्टी के गणेश बारी भी निर्वाचित हुए हैं। चित्रकूट भगवान राम की कर्मस्थली रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के समर्थित विचारधारा के नानाजी देशमुख ने भी चित्रकूट को अपनी कर्मस्थली बनाकर, जब प्रदेश के अंदर सुंदरलाल पटवा की सरकार थी तब नानाजी देशमुख ने चित्रकूट को उदय विश्वविद्यालय की सौगात दी। आज भी चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्था की स्थापना है और दीनदयाल शोध संस्थान के बुलावे पर मध्य प्रदेश और केंद्रीय सरकार के मंत्री सहज भाव से चले आते हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी से चित्रकूट की जनता आज तक प्रभावित क्यों नहीं हो पाई, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि चित्रकूट विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का जिस शख्स ने खाता खोला था वही शख्स एक बार फिर चित्रकूट विधानसभा से चुनावी मैदान में है, जिनका नाम है सुरेंद्र सिंह गहरवार। भारतीय जनता पार्टी की टिकट से सुरेंद्र सिंह तो कांग्रेस की पार्टी से वर्तमान एमएलए नीलांशु चतुर्वेदी चुनाव मैदान में है। नीलांशु चतुर्वेदी पहली बार उपचुनाव जीते थे प्रेम सिंह बरौंधा के निधन के कारण। चित्रकूट विधानसभा में उपचुनाव हुआ था। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शंकर दयाल त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन शंकर दयाल त्रिपाठी सरकार की पूरी प्रतिष्ठा लगाने के बाद भी चुनाव बुरी तरह पराजित हुए। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब अपनी पूरी प्रतिष्ठा झोंकने के बाद भी शंकर दयाल त्रिपाठी को चुनाव नहीं जिता पाई तो एक बार पुनः भाजपा ने सुरेंद्र सिंह गहरवार पर ही अपना भरोसा जताया है। जैसे ही सुरेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकट दी, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुभाष शर्मा डोली ने बगावत की राह पकड़ ली। सुभाष शर्मा डोली चित्रकूट विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सुभाष शर्मा डोली के कारण चित्रकूट का मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। हालांकि कांग्रेस के सदस्य रह चुके संजय सिंह भी कांग्रेस से बगावत कर समाजवादी पार्टी की साइकिल चला रहे हैं, लेकिन इनके जीतने की संभावना न के बराबर है। हालांकि संजय सिंह पूर्व विधायक प्रेम सिंह बरौंधा के नाम का पर्याप्त उपयोग कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी संजय सिंह के जीतने की कोई संभावना नहीं है। यह अलग बात है कि वह नीलांशु चतुर्वेदी के कुछ वोट काट सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक मुख्य मुकाबला नीलांशु चतुर्वेदी सुरेंद्र सिंह और डोली में ही मानकर चल रहे हैं। नीलांशु चित्रकूट से दो बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं, जबकि सुरेंद्र सिंह एक बार ही निर्वाचित हुए हैं। सुभाष शर्मा डोली कांग्रेस के रास्ते भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें महत्व देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंततः सुभाष शर्मा डोली ने हाथी की सवारी कर ली, लेकिन क्या हाथी कमल के फूल और पंजे को कुचलने में कामयाब होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।